दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय कुश्ती संघ निलंबित हो गई है। आपको बता दें कि सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। नए अध्यक्ष यानी कि संजय सिंह की मान्यता रद्द कर दी गई है। नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द होने के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही नए अध्यक्ष के द्वारा लिए गए सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर दिल्ली इस वक्त की, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। वहीं WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे मानो पुराने पद अधिकारी ही सभी फैसले ले रहे हैं। वहीं अब खेल मंत्रालय के एक्शन पर बजरंग पुनिया ने भी कहा है कि मुझे अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया गया है। हालांकि अभी स्टेटमेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसी खबर सामने आई है कि बजरंग पुनिया ने ऐसा कहा है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय खेल मंत्रालय ने आज यानी कि रविवार को ये बड़ा फैसला लिया है। उसने नवनियुक्त भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के विरोध के कारण खेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस साल पहलवानों के विरोध के बाद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, और उसके बाद चुनाव हुआ और फिर ब्रजभूषण के ही करीबी जो कि संजय सिंह हैं, जो चुनाव जीते थे अभी, और ब्रजभूषण शरण सिंह को ये कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है। कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद ब्रजभूषण के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ये सभी दिग्गज खिलाड़ी मायूस थे। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर, और इसके अलावा महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से हाल ही में संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण जैसा ही कोई दूसरा अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है। इसके अलावा संजय सिंह के चुने जाने के बाद भी बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया था और एक चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं पहलवानों की मांग को देखते हुए अब सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है। बड़ी खबर दिल्ली से।